भाइयों और बहनों, कर्ज माफी तो दूर, कांग्रेस किस तरह गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन रही है निवाला, मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहता हूं। साथियों, मध्य प्रदेश के आदिवासी बच्चों के लिए, प्रसूता माताओं के लिए, गरीब माताओं बच्चों के लिए भारत सरकार पोषक आहार के लिए ये चौकीदार की सरकार दिल्ली से पैसे भेजती है, ताकि जो प्रसूता माता है उसको प्रसूता के समय 9 महीने अच्छा खाना मिले, उसका शरीर ताकतवर हो, ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त हो और देश को तंदुरुस्त बेटा बेटी मिले। लेकिन भाइयों बहनों, भारत सरकार ने, चौकीदार ने जो पैसा भेजा, और ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि चौकीदार के रहते हुए भी चोरी करने की हिम्मत कर गए, और उसने इस पैसे से तुगलक रोड चुनावी घोटाला कर दिया है। पूरे देश ने टीवी पर देखा है कि कैसे मध्य प्रदेश के बारे में बातें आ रही हैं, बोरे भर भर के नोटें मिली है। आपको पता है ये तुगलक रोड कहाँ है? ये दिल्ली में तुगलक रोड है, और इस तुगलक रोड पर कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का बंगलो है। आपका पैसा, गरीब के निवाले का पैसा, प्रसूता माता के पोषण का पैसा, ये चोरी कर करके वहां पहुंचाते थे भाइयों, बंडल के बंडल जाते थे। और यही पैसे नामदार के प्रचार में लगा दिया गया साथियों। और मजा है, उनके जो चेले चपाटे हैं वो मोदी को पूछते हैं कि मोदी, तुम विरोधी दल वालों के यहां रेड क्यों करते हो? एक तो ये रेड मोदी करता नहीं है, वो तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का काम करता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि रेड भाजपा के यहां हुई कि कांग्रेस के यहां हुई, मुद्दा ये है इतना सारा माल कहां से निकला, क्यों निकला, लेकिन उस मुद्दे की चर्चा नहीं करते। इनके चेले चपाटे चर्चा ये करते हैं कि कांग्रेस वालों के यहां रेड क्यों हुई। भाइयों बहनों, रेलवे में जो टिकट लेकर के जाता है उसको कोई पकड़ता है क्या? कोई पकड़ता है क्या? बिना टिकट जाएगा उसी को पकड़ेगा ना, जो चोरी करेगा वही पकड़ा जाएगा, जो चोरी नहीं करेगा कौन पकड़ेगा उसको? चोरी पे सीना जोरी, हमको क्यों पकड़ा? हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो नेता हैं, हम तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। अरे देश का कानून हर एक के लिए समान होता है, अगर मोदी गलती करता है तो मोदी के घर पर भी इनकम टैक्स ने रेड करना चाहिए। सबके लिए कानून समान होना चाहिए। साथियों, यही कांग्रेस का सच है। गरीब और किसान के नाम पर घोषणाएं करती है, योजनाएं बनाती है, और उसी पैसे में घोटाला करती रहती है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है।
लेकिन आपका ये चौकीदार चौकन्ना है। नामदार हो या उनके राग दबाई, कोई नहीं बचेगा।